मेरा नाम जियाउद्दीन है, कालगी का सदर हूँ मैं, मोहम्मद जी मस्जिद का और माइनॉरिटी पर्सन हूँ। रही बात हमारे चेयरमैन साहब को एग्ज़ाम लगाने के, आज प्रेस क्लब में आप लोगों को चेयरमैन साहब नहीं बुलाया, आज हम लोगों को भी उन्होंने नहीं बुलाया। जैसा हम मीडिया में जैसा साहब का नाम आया, ऐसा 5 लाख रुपये हमारे तरफ से दिया गया है बोल के फौरन हम मौजूद में आए। पूरे गाँव इकट्ठा होकर पूरे लारी भर के आने वाले थे, क्योंकि साहब ऐसे मोमेंट पे हमारा हाथ पकड़े सो है। यही जो मुतली 5 लाख का एग्ज़ाम लगाया, वो मुतली इनके भाई है, खास क्या हमारे भाई है, खास भाई हमारे भाई, खास भाई इनके खिलाफ क्या करे। ये पूरे जितने शादी जहाँ पॉलिटिशन में केस करे, पंचायत के अंदर जाके ऑब्जेक्शन डाल के इनके कारोबार बंद कराया और पूरे सब सारे चीज़ें रोड पर आ गए। लोग आने के बाद वो मुतली को बोले, क्या तो भी तेरा खर्चा 2-3 लाख लिए ले को उनके दुकाना चालू करने का ऑब्जेक्शन लेटर वापस ले। तो उन क्या मांग रखा, मुझे 10 से 20 लाख रुपए खर्चा हुआ, 10 से 15 लाख रुपए मुझे दियो। कौन है, खलील मुतली बोलिया सुबह। उसके बाद हम लोग से वर्क बोर्ड को है, साहब ऐसे सब परेशानी की हालत में है, तो क्या पूरा सारे वाकया सुने क्या है पूरे। उन्होंने फिर साहब को क्या करें, यहाँ वर्क बोर्ड ऑफिसर को कारगी विजिट कराए, और कारगी विजिट कराने के बाद ये सारे चीज़ें मुतली कैसा बनिया क्या नहीं, और इनके भाई की साइन कैसे। अब इनके भाई को पूछे, अब तुम्हारी मुतली बनाने के अंदर तुम्हारी भी साइन है, क्या बोल के साइन लिया। जो भाई क्या बोले, मतलब हमारे खेता का वो था, हमारे अब्बा बनने से भी नहीं मालूम, उन्होंने क्या खेता नाम से करके बोल के बोले थे, मालूम पड़ा कि ये सब चीजें बाद में बंद करने के बाद मालूम पड़ा हमको, जो दुकान हमारे बंद करे ना जब मालूम पड़ा, हमारे वाले साहब वो मुतली बने से भी मालूम नहीं, फिर इनका भाई मुतली बने से भी मालूम नहीं। सिग्नेचर इनका वाले साहब मानने बाद खेता गरम बांट के देते बोल के सिग्नेचर लिए सर। और रही बात इन गाँव वाले जापर बोल के है, इनकी तुम्हारी सिग्नेचर क्या बोल को लिए, क्या लिए, पेरा का सैंडल है, फोटो लेने का वो फोटो लिए, सिग्नेचर नहीं लिए मेरी। क्या नाम तुम्हारा, जाफर पटेल, इन्हों जाफर खान बोल के, जाफर खान क्या बोल को लिया तुम्हारी साइन, वो बादशाह हड्डी का सदर बने साहब, पॉम्पलेट में फोटो डाले का है, फोटो दिया हम ठहरे पोज दिए, कोई हम जो उसके दिन चंद्र दिन पूछे भी पॉम्पलेट में फोटो कहीं नहीं है हमारी, अरे नहीं यार उसको बीजे में था वो नहीं डाले, वो फोटो लगा के यहाँ काम कर दिया हम। अब इतनी तमाम चीजें रहे तो आपको मालूम ही नहीं, नहीं मालूम, इनकी दुकान बंद हुई जब होने के बाद ही जब हमको बोले ना सर दुकान बंद करने का रीजन क्या बोले, उन्होंने दुकान जो बंद करे ना उन्होंने दुकान चालू करने आसरा कर लो बोल के बोले थे, आसरा कर लिए थे, आसरा कर लेने के बाद क्या कर रहे, तुम्हारे भीख मंग लगा तू, मैं मुतली बनी हूँ, तुम कहते आगे दुकान में चालू करते देखो बोल के भाई बंद करा दो, बंद करा दो भाई अब। और एक चीज साहब, वो मुतली बनने से हमारे किसी को इतराज नहीं था, शेख है क्या तो बना बनाऊंगा। इनका रनिंग कारोबार बजरा दंग वाले बीजेपी वाले सब जने अर्जी एप्लीकेशन दिए, इनका बीफ के मेन सेंटर पॉइंट पे दुकाना है बंद कराना बोल को, वैसे मोमेंट पे हम बंद नहीं कराने दिए इनको। इन खुद इन भी खसई है, खास भाई है, उन भी वही कारोबार करता, इन जाके पूरे दुकाना में मुतली हूँ, दुकाना को खुफल डालो बोल के लाख करने लगा के सील डालने लगा है पंचायत तरफ से। कितने दिन पहले, कम से कम 3 महीने दुकाना बंद रहे उनके, 3 महीने तक बेचारे जोरो बच्चे सब परेशान उन लोग। फिर उसके बाद क्या करे, सब जने 4 गांव वाले बैठ के चलो भाई जो भी हुआ आपस का मामला खत्म कर लो, 10-15 की डिमांड रखे। फिर ऑलरेडी वो दुकान का किराया भी 19 लेता है, और एक दुकान भी उसके अंडर में छे अभी भी। और रही बात मदर साहब का पोतरा बोलते हैं ना, मदर साहब का बेटा अभी जिंदा है, मदर साहब का बेटा जिंदा रखो, पोतरा कैसा बनता मुतली, और खास मदर साहब का बेटा है, बेटे कुछ मालूम नहीं, मेरा बापिस मुतली है बोल को उतज बैठे हुए, भाई बने से मालूम नहीं, भाई का बेटा बने से मालूम है, मालूम है क्या तुम्हारा, हाँ तुम्हारा मालूम है बेटा हर हानि पर भी बेटा है, मुझे बेटे घर मुतली पोतरे के सक रहे उनकी मुतवली में क्या करे, उनके भाई का नाम लगे, बहन का भी लगे, हमारे तो नसरुद्दीन साहब के मुतवली में उनके भाई का नाम क्यों नहीं लगे, उसमें क्यों नहीं लगे ये हम लोग पूछते, उनको बनाए तुम बनाने के बाद उनका 3 महाना है, उनको उनका नाम क्यों नहीं लिए,
इसमें इनके भाई बहन और भाई का कहीं लिए नाम ये सवाल मैं आपको पूछ रहा हूं। कितने साल से कर रहे हो मुतवल्ली? कब से है कि पता नहीं, वो रिसेंटली उन मुतालिया बोलने का दुकान बंद कराने वाला, जब तक तो किसी को मालूम नहीं। आपको इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं दी? किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं, लीगल काम कुछ भी नहीं। खास करके वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब से और खास करके हुकूमत से क्या? अब हम एक ही बात करना चाहते हैं वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब से, क्योंकि मैं भी 15 साल से वर्क बोर्ड ऑफिस, क्योंकि ये बहुत सारे चेयरमैनों को भी देखे हम, बहुत सारे ऑफिसरों को भी देखे हम लोग। पैसे खाने वाली 5 लाख की बात कर रहे, 5 लाख ऐसे 50-50 लाख खा को क्या है? कारगी का खबरस्तान सर्वे नंबर 1 5 एकड़ 23 घंटे है, आज पूरा दिक्कम पाल कर दिया है। 50-50 लाख को एक एक फ्लैट बेच के खा रहे हैं वहाँ पे। यही वर्क बोर्ड की प्रॉपर्टी है, मेन रोड पे जहाँ से कॉर्नर गेट से चालू होता बस स्टैंड को एंड है, वैसी प्रॉपर्टी क्या मालूम? वर्क बोर्ड वाले ही बेचे, वर्क बोर्ड वाले ही कारण है। आज तक हम देख लेते हैं एक टेबल इधर वर्क बोर्ड का इधर नहीं हुआ था, काम लेने दूर रहती थी। आज हमारे शर्मा साहब आने के बाद एक ऑफिस का सिस्टम बना है और काम कर रहे हैं, क्योंकि हम उनको हिम्मत देते हैं आपके साथ। हम लोग यहाँ कालगी वाले ने पूरा गुलबा डिस्ट्रिक्ट के नौजवान आपके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ऐसे ही काम करें, आप ऐसे ही काम करते रहो, आपके साथ हम लोग हमेशा है और आपको आँच आने भी नहीं देंगे। क्योंकि 5 लाख अरे इन्हों खुद आके ये लोगों को हेल्प करे, सो कालगी को खुद के पैसे खर्च कर रहे हैं। इन्हों क्या पैसे लेते सब चेयरमैन साहब? 1 रुपया दिए भी क्या? तो दिए क्या जी तुम लोग? दिए भी नहीं, लिए भी नहीं। इन्हों छोटा खाने पीने को आए, सो किराया तक दिए, पैसे तक दिए हमारे लोगों को। हालात देखो हमारे, नाश्ता करने पैसे नहीं थे हमारे पास अभी स्टार्टिंग जब आए थे हम। बहुत सारा ऑब्जेक्शन भी था उसमें, काफी सारी खवातीन को भी देखा गया है, तो हो सकता है अगर एक अगर झूठ बोला तो समझ में आता है कि खवातीन भी लेडीज भी, लेडीज उसके अंदर नहीं है सब। और रही बात लेडीज के, इनके भीच है खास, इनकी बीवी की आके क्रिमिनल केस डालते, हमारे मारे टॉर्चर करे, SBI ऑफिस के में आना, आपको पूरा इनके ऊपर खानदान के ऊपर केस डालना, खाली जुल्म चल रहा है यहाँ पे, हरासमेंट करना। मुतौली बने दे उनो, उनका मुतौली है, मुतौली एक मुतौली का काम क्या रहा था? मुतौली बनने से पहले एक खास भाई अपने खानदान के अफराद किसी को तो एक जना इंटीमेशन रहता है ना, यानी अब एक कमेटी है मामली, कमेटी को भी एक चार्ज नहीं सही रहती, चार्ज नाम इंटीमेशन रहता। ये अभी तक उसका वाली साहब बने इंटीमेशन है, इन बने इंटीमेशन है, मदर साहब का बेटा जिंदा है इसको इंटीमेशन है, इंटीमेशन है क्या जी तुम्हारे को? क्या डिमांड क्या चाह रहे हैं? हम डिमांड क्या भी नहीं चाह रहे, वैसे फ्रॉड को यानी जो आशूर खाने का मुतौली बने वो आशूर खाना आधा उसके नाम पर कर लिया, सो डॉक्यूमेंट हम सबमिट करें। और रही बात जो वक्फ बोर्ड से मुतौली बना है, वक्फ बोर्ड की मोहम्मदी मस्जिद है, मोहम्मदी मस्जिद 15/20 है, उन भी अपने नाम पर सल्डिट कर लिया, वैसे चोर मुतौलिया को मुतौलिया नहीं बनाने देते, चाहे उनके कबीले वाले होंगे चाहे हम गाँव वाले होंगे, किसी को भी बनो अच्छे आदमी बनो। अब इनके राय है, मदर साहब का बेटा अभी जिंदा है, इनको बनाओ बोल के सब जना की ये फिक्र है। जितने लोग हैं क्या और लोग भी इनके खिलाफ है, मतलब उनके इसमें है? कालगी गांव के अंदर एक जना भी उसके साथ नहीं है, कोई भी इसको ये नहीं मिल रहा। अब जो 5 जने जो साइन करे अभी फोटो है वो, ये फोटो ऐसे वाले बैठे इनके साथ ही फ्रॉड कर को फोटो लेता, मैं बैनर में डालता हूँ, लाख वर्क बोर्ड ऑफिस के फाइल में डालते हैं, ये लोग शाक होते हैं। वो लोग क्या मालूम है कारोबार था, जैसा चेयरमैन साहब आपको बैठे उनका कारोबार बंद हो गया डायरेक्ट, कोई भी इतना बच्चा हो साहब चेयरमैन साहब काम करके दे रहे, वो उनको देख के नहीं आ रहा उनको, क्या तो क्या एग्जाम लगाते बैठ रहे। अब मामले हमारी से कौन सी, तो कमेटी का फॉर्म लाने का 1000 रुपये फीस उनकी, कमेटी अप्रूव कराना बोले तो 5000, बेंगलुरु से कराना बोले तो 20000, एक एक अपने अपने रिटर्न डाले बैठे हुए थे वो, ऐसे दलालों के तरफ से आज करोड़ों अरबों रुपए की आज हमारे जयजाद गाँव वाले को बैठे, हम कारगी सर्वे नंबर 1 कब्रस्तान का 20 साल से फिर रहे, 3 महीने अंदर थे हम लोग पूरे जने 63 जने। मैं यही मीडिया से यही रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, ये कालगी का एक मसला नहीं, कहीं का भी रहो, कमेटी हो मुतली हो, जो ईमानदार चार लोगों की हमदर्दी रखने वाला वैसे के ताल्लुक से वैसे को अपार्टमेंट करो बोल के, ये वर्क बोर्ड से हम और चेयरमैन साहब से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। किसके बेटे बोलो पूरा? नसरुद्दीन के बेटे, नसरुद्दीन मुतली आपके भाई हैं? हमारे भैया मुतली। अब उनको रखना नहीं रखना रखना उनको।